नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जंगे। जयपुर में शहीद स्मारक कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना पिछले 24 दिन से चल रहा है। वहीं धरने के 24वें दिन कोविड सहायकों ने 2 घंटे धूप में खड़े होकर अपनी मांगे रखी। इस दौरान कई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तबीयत भी बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। आपको बता दें कि कोरोना काल में सरकार ने इन कोविड सहायकों को अस्थायी तौर पर काम पर रखा था, लेकिन 31 मार्च 2022 को सभी 28,000 सीएचए को पद से हटा दिया था, जिसके बाद सीएचए ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोविड सहायकों की सरकार से भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। उनका एक ग्रुप दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचा, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। देखो, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, जब तक हम यहाँ से शहीद स्मारक से नहीं उठेंगे, चाहे उसके लिए हमें शहीद होना पड़े। और आज जब मैं पिछले 24 दिन से मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, और हमारे साथी कुछ ऐसे हैं जो हमें सारे साथी यहाँ 24 दिन से इस संघर्ष में लगे हुए हैं, और हमारे जो एक टीम है वो दिल्ली आला कमान से मिलने के लिए वे गई हुई है। वहाँ से भी उन्होंने 4 दिन का अल्टीमेटम का आश्वासन दिया था, और आज मैं SMS में एडमिट हुआ, मुझे चेस्ट पेन हुआ, तो मुझे अभी थोड़ा रिलीफ है। और हमारी कुछ बहनें अभी SMS में एडमिट है, उनको थोड़ा चक्कर आ गया और थोड़ा वीकनेस है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को माना जाए, वरना ये आंदोलन उग्र होता जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विनीतर, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज़। लगातार 24 दिन से जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड सहायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार यहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो भीड़ है वो 24 दिन से यहां बैठी है। ये लोग तपती धूप में, राजस्थान में 40 से 45 डिग्री तापमान है, लेकिन ये लोग यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे। इनकी मांग है कि 31 मार्च 2022 को सभी को 28,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अपने पद से हटा दिया था। इसी मांग को लेकर वापस उस पद पर लगाने को लेकर लगातार यहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहां महिलाएं भी हैं, बच्चे लेकर भी महिलाएं पहुंची हैं। लगातार पूरे राजस्थान से जो है वो युवा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पूरे राजस्थान से अलग अलग ज़िलों से हैं, अलग अलग अस्पतालों में इन्होंने सेवाएँ दी हैं, लेकिन इन सभी को 31 मार्च 2022 को हटा दिया था। उसके बाद से लगातार यहां धरना प्रदर्शन है, लगातार धरना दे रहे हैं। हम पूरी लाइव कवरेज यहां से दिखा रहे हैं आपको। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से ये लगातार इस गर्मी में, तपती धूप में, इस परिस्थिति में बैठे हैं। सर, लगातार 24 दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं कड़कती धूप में, मौसम बदल रहा है, लेकिन आप हिलने का नाम नहीं ले रहे, राजस्थान सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुन रही, क्या कहना चाहेंगे आप? हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो मांग है उसको पूर्ण करें और हमें जल्द से जल्द घर भेजें। हम महिलाओं के साथ, हमारी बहनें हैं जो प्रेग्नेंट है, कोई बच्चों को लेकर बैठी है। हम लगातार 24 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमने तपती धूप में 2 घंटे ये प्रदर्शन किया है, और सरकार अभी तक हमें समझ नहीं पा रही है। एक छोटा सा, अगर सरकार को चाहे तो आज के आज शाम तक आदेश आ सकता है। जो भी अधिकारी या विधायक जो आ रहे हैं, हमें खाली आश्वासन मिल रहा है। अभी तक कोई भी ठोस सबूत हमें कोई देकर नहीं गया कि आपका आदेश 1 या 2 दिन में आ जाएगा। खाली ये आश्वासन मिल रहा है, हम आश्वासन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमारी कोई नहीं सुन पा रही है। कौन से अस्पताल में आपने सेवाएँ दी अपनी? मैं गांव में लगा होता, PSC पे था, पांचेटिया पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, दिनेश कुमार नाम है मेरा। तो यहाँ लगातार सैलरी जो है वो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई थी। हमारी सेवाएं मार्च से शुरू हुई थी, लगभग 10 महीने हमने सेवाएं दी है, और लगभग 3 या 4 महीने का हमें वेतन मिल गया था, वो भी पंचायत थ्रू। हम सेवाएं नर्सिंग स्टाफ की दे रहे थे, NHM में जुड़े थे, और हमें वेतन पंचायत से मिला था। ये बड़ी दुख की बात है कि सरकार ने इस वजह से हमें, जैसे प्रसादी लाल जी ने जो बयान दिया था कि हम नर्सिंग में नहीं आते या नर्सिंग स्टाफ हम नहीं आते, तो हम किस में आते हैं? हमने नर्सिंग की है, किसी ने BSc की है, GNM किया है, और वो कह रहे हैं कि हम चिकित्सा सुविधा में हम नहीं आते, तो हम किस में आते हैं? उनका कहना है कि ऐसा कोई पद है ही नहीं, ऐसा कोई पद है ही नहीं, तो किस आधार पर आपको कंटिन्यू करें? जी, उन्होंने कहना है कि हाँ किस आधार पर आपको कंटिन्यू करें, लेकिन जब सेवाएं लेनी थी
तब उनको ये बात याद नहीं आई कि हम किस कैटेगरी से हैं और या कुछ करके आए, क्या करके आए, हमारी क्या योग्यता है, ये कैसे वो भूल गए। उस समय हम इंजेक्शन लगा रहे थे तो उस समय ये सवाल कभी क्यों नहीं खड़ा हुआ कि हम किस योग्यता से यहाँ लड़ रहे हैं। आप कौन से ज़िले से? मैं नागौर ज़िले से हूँ, लाडनू तहसील से। आप जो ये बात कह रहे हैं, हमारी जो भर्ती हुई थी जब CHA को जब लिया गया था, आप कह रहे हैं जिस बात को लेकर के चिकित्सा मंत्री ने जो है ये बात कह रहे हैं कि CHA का जो CHA जो है कोई पद नहीं है। देखिए, CHA कोई पद नहीं है, लेकिन नर्स ग्रेड 2 एक पद है और हमारी जो भर्ती हुई थी वो एज ए नर्स ग्रेड 2 के अनुसार ली गई थी। हमारी जो भर्ती हुई थी उसमें सभी से नर्सिंग के डिप्लोमा डिग्रीज मांगे गए थे, न कि सिर्फ एक 10वीं या 12वीं के व्यक्तियों को लगाया गया था। तो उस अनुसार हमारी भर्ती हुई है। तो ये आप जो सरकार जो मंत्री जी कह रहे हैं कि आप कोई ये CHA कोई पद नहीं है, हम इस बात को मानते हैं और हम ये मांग भी नहीं कर रहे हैं। हम मांग ये कर रहे हैं कि हमें नर्स ग्रेड 2 के अंदर शामिल किया जाए, हमारा जो सुविधा कैडर के अंदर जो है हमें शामिल किया जाए। आपका भी वेतन बाकी होगा? नहीं, मेरा वेतन आ गया है, कल या परसों आया था हमारा वेतन। और वो वेतन इसलिए आ गया क्योंकि अभी कुछ 10 दिन पहले के करीब जो है मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी कि 103 करोड़ रुपए हमने जो है उनके बजट में डाल दिए हैं। वो 103 करोड़ रुपए अभी काफ़ी लोगों तक, मतलब जो जितने भी CHA लगे हुए हैं उनके अपने अपनी तहसील तक जो है पहुँचा दिए गए हैं और 1-2 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर सबको मिल जाएंगे वो पैसे। लेकिन ये जो पैसे मिल रहे हैं वो सभी को, किन्हीं की 4 महीने से, किन्हीं को 5 महीने से, किन्हीं की पूरी 8-8 महीने की सैलरी जो है अब जाके मिल रही है। अब जाके आपका वेतन तो मिल गया है? जी हाँ, हमें हमारा वेतन मिल गया है। वेतन की हमारी मांग नहीं है, वेतन से हमें मतलब भी नहीं है। हमारी मांग जो है हमारी नौकरी से है। हमारी मांग ये है कि हम वापस उस पद पे जाएं जिस पद पे हम काम कर रहे थे, सरकारी नौकरी पे जिस पर हम काम कर रहे थे, हमें उस पद पर वापस लिया जाए। चाहे उसके लिए आप कह रहे हैं CHA नहीं है, तो हमें CHA से नहीं मतलब नहीं है, हमें तो नर्स ग्रेड 2 में जो है शामिल करके हमें जो है जो स्थायी एक नौकरी दी जाए। तो बिल्कुल, यहाँ जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग है कि हमें हमारा जो पद है वो वापस चाहिए। उनका वेतन जो है वो लगभग मिल गया है, कईयों का बाकी है, वो मिलने की उम्मीद है, लेकिन लगातार उनकी मांग है कि उनको वापस उस पद पर लगाया जाए जिस पद से उनको हटाया गया था। जयपुर से TPV न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित पारिक के साथ मैं विनीत चौधरी। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TPV न्यूज़। नमस्कार।